बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। अल्लाह से यही उम्मीद करते हैं आप भी अपने घर में खुश रहें, आबाद हैं। हम इस मामी मज़ेदार से पेटीज होममेड पफ पेस्ट्री से बना रही हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये मैंने मैदे का गूंद लिया है, आटा मैदा गूंद के रख दिया था मैंने, जिसके अंदर नमक डाला है बस, और इसे नीम गर्म पानी से गूंद के रख दिया, जैसे पूरियों का बेलते हैं गूंदते हैं ना, वैसे ही वैसे हमने गून के रख दिया था। और आधे घंटे के लिए हमने इसको रख दिया था, और हमने ऊपर से घी लगा दिया था या ऑयल लगा दें। और ये मैंने लई तैयार की है, इसके अंदर मैंने 4 चम्मच मैंने बड़े घी के डाले और 3 चम्मच मैंने मैदे के डाले। इसे मैंने अच्छी तरीके से मैंने फेंट लिया है। तो अब हम इसकी पफ पेस्ट्री तैयार कर लेते हैं। तो हमें इसे बेलना है अच्छी तरह, बड़ा सा पेड़ा बना के हमने इसे बेलना है, हल्का सा मोटा, ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, बस हमने जैसे रोटी बनानी होती है ना उस तरीके से हमने बेलना है इसे। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, रेसिपी अच्छी लगती है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी वीडियो के आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और देखिए मैं बेल रही हूँ इसको, देखिए मैंने बेल लिया है, हल्का सा मोटा रखा, बस ज़्यादा पतला मोटा नहीं रखा मैंने। अब मैं इसके ऊपर जो मैंने लई तैयार करके रखी थी इसे मैं चारों तरफ फैला दूँगी। इसको मैंने 3 दफ़ा लगानी है, यही लई को मैंने 3 से 4 दफ़ा मेरे को लगानी है, और इस तरह मैं कर लूँगी। और यही प्रोसेस मैंने 3 से 4 दफ़ा ही करना है। देखिए दूसरी तरफ से भी हम इसके ऊपर रख देंगे, और ये मैंने इस तरीके से मैंने 4 दफ़ा किया था, ये प्रोसेस मैंने 4 दफ़ा किया था, और इस तरीके से करके मैंने फ्रीज़र में रख देना है। इसे प्लास्टिक टेप हो तो उससे ढक के रख दें। तो देखिए मैंने फ्रीज़र में से निकाल लिया था, तो ये मैंने 4 दफ़ा करके रख दिया था इसी तरीके से, फिर निकाल के फिर दोबारा करा, फिर उसी तरीके से मैंने 4 दफ़ा कर लिया था। तो अब मैंने निकाल लिया है, अब इसको मेरे को पेस्ट्री पफ पैटिस तैयार करने हैं मेरे को इससे। तो मैं इसे बेल लूँगी, अब मैं हाफ़ इसका लूँगी, हाफ़ कट करके रख दूँगी वापस इसी तरीके से। तो देखिए मेरी कितनी ज़बरदस्त सी पफ पेस्ट्री तैयार हुई है। ज़रूरी नहीं है आपके पास यूनिपफ हो तो आप उसी से बनाएं, आप घर की चीज़ों से भी बना सकते हैं। और लेकिन ये है ना, ये जो इस तरीके से बनाएंगे तो आप ये ज़्यादा दिन तक के लिए स्टोर नहीं कर सकते, तकरीबन 15 दिन तक के लिए स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा दिन के लिए नहीं कर सकते। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लेयर बनी है। तो अब मैं हाफ़ रख दूँगी, हाफ़ इस्तेमाल करूँगी, और ये मैं बगैर ओवन के बना रही हूँ। देखिए मैंने बेल लिया था और मैंने ये पैटिस तैयार करनी है, देखिए इस तरीके से मैंने बेल लिया था इसको, इतना मोटा रखना है इसे, ज़्यादा पतला नहीं रखना। अब मेरे को इसके अंदर, आप चाहें तो इसके ऊपर चिकन की फिलिंग भी कर भर सकते हैं, मैंने आलू की फिलिंग करी है। मैं नेक्स्ट टाइम इसकी चिकन की पेस्ट्री बना लूँगी, पैटिस बनाऊँगी। तो इस तरीके से हल्का सा प्रेस करना है, ज़्यादा नहीं प्रेस करना वरना ये फूलेंगे नहीं। तो देखिए मैं इस तरीके से तैयार करके, सारे इसी तरीके से तैयार कर लूँगी, आप भी इसी तरीके से तैयार कीजिएगा और आपको यकीनन पसंद आएंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को, पूरी फॉलो कीजिए, ताकि कोई ज़रूरी बात हो तो वो मिस्टेक ना हो, स्किप ना हो। तो इसके मैंने ढक्कन ले लिया था, आपके पास प्लेट हो इस तरह की तो प्लेट ले लें, ढक्कन ले लें। और ये मैंने अंडा ले लिया था एक, इसके अंदर 2 चम्मच के करीब मैंने दूध डाला था और फेंट लिया था। और ये मैंने ढक्कन को मैंने ग्रीस कर लिया था, आपके पास बेकिंग ट्रे हो तो वो भी ले सकते हैं। तो मैं घर की चीज़ों से बताना चाह रही हूँ ताकि आपको आसानी हो, कोई मुश्किल ना हो। तो मैंने ग्रीस करने के बाद ये मैंने जो पैटिस तैयार की हैं मैं इसके ऊपर रख दूँगी, और ये मैंने अंडे का जो मैंने तैयार किया है, दूध और अंडा फेंटा है, वो इसके ऊपर हल्का सा लगा दूंगी। आप ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने चम्मच की मदद से लगाया है। सब चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं, कोई भी चीज़ आपको बाज़ार से नहीं लानी पड़ेगी, अगर आप अपने बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। तो मैं ये सारे इसी तरीके से तैयार कर लूँगी, और मुझे जिसमें बेक करना है, इस बर्तन में, जिस बर्तन में बेक करना है मुझे, तो वो मुझे 15 से 20 मिनट के लिए पहले ही मैंने उसको
गर्म करने के लिए रख दिया था। और मैं ये कढ़ाई में बना रही हूँ, कढ़ाई मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दी थी कटोरी रख कर, ताकि वो गर्म रहे और हम ये आराम से रख दें। तो देखिए मैंने सारे लगा लिए हैं। अभी मैंने कढ़ाई के अंदर मैंने कटोरी रखी, उसके ऊपर मैंने ये रख दिया, मेरे पहले से ही गर्म थी कढ़ाई। तो अब मैं इसे मिलती हूँ, तो तकरीबन 40 से 45 मिनट हो गए थे, क्योंकि ये मैंने चूल्हे पे बनाया है। तो आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, 40 से 45 मिनट आराम से बन जाएंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। और बिल्कुल पफ पेस्ट्री बाजार जैसी ही बनी थी, बस ये है कि आप ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं, घर की चीज़ों से बन सकती हैं। और बिल्कुल ज़बरदस्त सी पेटिस तैयार हुई थी, क्रिस्पी क्रिस्पी देखिए, और बहुत मज़े की बनी थी। आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, देखिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ बाहर से लाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो देखिए ज़बरदस्त सी मेरी पेटिस तैयार हो चुकी है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह।